नमस्कार दोस्तों, आज मैं वेल्डिंग के कनेक्शन बताऊंगा। ये रिपेयर होने के लिए हमारे पास वेल्डिंग मशीन आई है। इस वेल्डिंग मशीन के आप कनेक्शन देख सकते हो। वेल्डिंग मशीन में 5 कॉइल होती है, 1, 2, 3, 4, ये 5 कॉइल होती है। ये चारों पोल है, जो चार कुटी है, ये चारों कुटियों में बिजली के कनेक्शन होंगे। दो पेच से चलेगी ये, एक तो इसमें पेच चलेगा, एक इसमें पेच लगेगा, ये दोनों पेच। और अर्थ पेच में चलाना हो तो ये लूप हमको खोल के इसमें और इसमें डालना है, जब अर्थ पेच में चलेगी। और अभी दो पेच पेच में चलेगी। पेच पेच की तार की कोयल, एक तो ये पेच की कोयल है और ये एक पेच की कोयल है। इसमें दो तार तो इस कोयल के हैं और दो तार इस कोयल के, दो दो तार निकलेंगे इसमें। इसमें आप कनेक्शन देख सकते हो, एक तो इसका ले लिया, फिर एक तार ये इसका ले लिया, फिर एक तार वापस इसका आएगा, एक तार इसका आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम वेल्डिंग करने की जो कुटियां हैं उसकी। वेल्डिंग में ये कोयल है जो वेल्डिंग की वेल्डिंग के वोल्ट कम करने के लिए है, कम और ज़्यादा के लिए। मेन तो ये है वेल्डिंग की एक कोयल और ये नीचे वाली एक कोयल, दो कोयल है इसमें। एक तार तो ये निकलता है, इसमें एक तार ये निकलेगा और ये दोनों एक तार दोनों को एक करना होगा। और इसका एक तार ये वाला है, ये निकल गया ये, और इससे घूम के जब करंट वापस आएगा तो कम बेसी होगा। कम ज़्यादा करने के लिए ये कोयल है और इसका कोयल का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है इसमें। इसके बिगर भी आप चला सकते हो। इसमें और इसमें आप चलाओगे तो बहुत फास्ट और बहुत तेज से चलेगी। ये सब कम बेसी के हैं, कम करने की है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। जब इसकी रिपेयरिंग होगी तो मैं पूरा वीडियो बना के बताऊंगा आपको। अभी तो कनेक्शन ही बताया है मैंने।